ये जी मोहम्मद शबीर साहब लगे हुए हैं ना, ये देखें जी, कमाल है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, खैरियत? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंगो के जो बाग हैं वो आपको दिखाऊंगा, तो वो हम जा रहे हैं मैंगो के बाग में और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि हम वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो देखते हैं, आइए मेरे साथ रहिए। ये दोनों भाई हैं, जा रहे हैं हमारे। ये है जी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो माशाल्लाह रेडी लेके जा रहा है जी। ये देखें कितनी माशाल्लाह यहाँ पे मशक्क़त जो है करनी पड़ती है। ये जाएंगे हम इस तरफ। वीवर जा रहा था मैं, यहाँ पे मैंने देखा ये है गवारे की फलियाँ। ये देखें ज़रा, ये फलियाँ पकाई जाती हैं लाहौर में, बाज़ हिस्सों में ये सेल होती हैं, बाज़ हिस्सों में तो नहीं होती। ये गवारा है जी, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते, जैसे कि ये देख रहे हैं वीवर, ये देखें ये पकाई जाती हैं और ये बहुत लजीज बनती हैं। आप गोश्त को भूल जाएंगे, हकीकत बात है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, हकीकत बात कर रहा हूँ जी। वीवर हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग बाग में, देखें ज़रा आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये छोटे छोटे थे, अब ये बड़े साइज में हो गए। एक पौधा ये है देख रहे हैं वीवर, माशाल्लाह वीवर एक पौधा ये है, इसका साइज़ ज़रा मज़ीद बिग साइज है। वीवर ये देखें ये पड़े हुए हैं, अभी इनको ले जाएंगे हम उधर। ये भैया लगे हुए हैं, ये कटाई कर रहे हैं। यूसुफ साहब कैसा लग रहा है काम करते हुए? बहुत गर्मी है। हाँ जरा मुंह इधर दिखाएं, जरा अपना चेहरा शरीफ। ये है जी यूसुफ साहब काम कर रहे हैं। हाँ ये जी मोहम्मद शबीर साहब लगे हुए हैं जी, कमाल है ना। अभी बार बाग जैसे कि हम देख रहे थे मैंगो वाला, मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता दूं। ये ऑरेंज जो है ये भी लग चुके हैं माशाल्लाह, नेक्स्ट सर्दियों में जो है आपको ये नज़र आएंगे बड़े बड़े साइज़ के। यहाँ का ये ऑरेंज जो है बड़ा ही मशहूर मरूफ ये पौधे हैं जी माशाल्लाह, इस इलाके के ये बेहतरीन सुगात है। सरगोधा का भी बहुत अच्छा होता है, संतरा वगैरह और ऑरेंज वगैरह, तो ये पंजाब का बहुत बेहतरीन, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ी सुगात है जी। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी है जी, देखें माशाल्लाह कैसे फलों से जो है ये देखें बहुत फल माशाल्लाह होता है। ये देखें ना, ये देखें नीचे से भी देखें, ये देखें अल्लाह सुबहाना व ताला ने इंसान को इतनी नेमतों से नवाजा है, जितनी नेमतें ने अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं, काश हम उसी तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन सकें। बस इधर मैं देखें माशाल्लाह यहाँ पे भी फल जो है लगा हुआ है, एक नस्ल है ये भी, पता नहीं ये इसके बारे में मेरे इलम में नहीं है, जानवर टोर है जो सहरी है कौन सा है, ये ज़रा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, देखा वीवर माशाल्लाह अच्छा फल लगा हुआ है। ये देखे इस तरह वीवर मेहनत की जाती है यहाँ पे। ओए ओए ओहो, यहाँ गर्मी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन आबस जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। शबीर साहब जो हैं ये लगे हुए हैं जी, नीचे से आम निकालने के लिए रेडी हैं जी। शबीर साहब कैसा लग रहा है? बस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा काम करना है तो फिर रिज़्क में इजाफा होता है। हाँ काम करने से रिज़्क में इजाफा होता है, वाकई सही बात है, करनी पड़ती है मेहनत, तो करनी पड़ती है बिल्कुल। वीवर ये देखिए कुछ ना कुछ हासिल होता है, कुछ ना कुछ हासिल होता है, हर काम में मेहनत है बेशक, ऐसा ही है। अच्छा वीर भाई ये दरख्तों पर जो ये लगी हुई ये क्या चीज़ है? ये इसकी ना गूंद वगैरह। अच्छा ये गूंद होती है, ठीक हो गया। ये वीवर टाक लगाए जाते हैं जिससे ये आम ज्यादा मोटा होता है। ठीक है,
इसके वजह से ना वो पानी निकलता है वो गूंद नुमा। अच्छा, ये यानी कि इसको वीवर कट लगाए जाते हैं ताकि जो आम है वो पौधा जो वो ज़्यादा बड़े साइज का हो जाता है, तो इसलिए इसके अंदर जो जैसे चीड़ वगैरह कहते हैं ना वो निकलती है। जी अनवर टोर है जी जिसे कहते हैं, ये देखें जी।